हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में हमने फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया, साम्स ब्लू हेड। उसके बाद आज हमारा सेकेंड चैप्टर है मुनिस एट स्कूल। मुनिस जब स्कूल जा रहा है तब स्कूल में क्या कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखना है। आप लोग जब स्कूल में आते हो तो आप लोग क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में आते हो, उसके बाद क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद हम हमारा क्लास मतलब हमारा सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक के बाद वापस हम सब्जेक्ट स्टडी करते हैं या फिर हमारे एक्सरसाइज, कभी कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी ड्राइंग करते हैं, कभी डांसिंग करते हैं, कभी कंप्यूटर लैब में जाते हैं। और उसके बाद हम घर पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुनिस है वो स्कूल में क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो है हमारे इस चैप्टर में, राइट। तो आज हम पहले इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स देखेंगे। मैंने जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन की है वो हमारे न्यू वर्ड्स है, और न्यू वर्ड्स आपको लर्न करना है और लिखना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल wax, WAKES, wax यानी उठना। फिर washed, WASHED, washed यानी धोना। फिर DRESSED, dressed यानी जो कपड़े पहने हैं वो ड्रेस। ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता। दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं? लंच। और रात के खाने को डिनर। फिर लीव्स, LEAVES, लीव्स यानी छोड़ना। NEVER, नेवर इतले कदी नहीं। रिच, RECHES, रीच यानी पहुंचना। PEON, प्यून यानी पट्टावाड़ा। फिर ROLL, रोल यानी लाइन। फिर COMPOUND, कंपाउंड यानी मैदान। PRAYERS, प्रेयर्स यानी प्रार्थना। फिर स्टैंड, STAND, स्टैंड अप यानी खड़े रहना। इसके बाद सिट डाउन, SITDOWN, सिट डाउन यानी बैठ जाना। नेक्स्ट टीचिंग, TEACHING, टीचिंग यानी सिखाना। बिगन्स, BEGINS, बिगन्स यानी शुरुआत करना। READING, रीडिंग यानी पढ़ना। WRITING, राइटिंग यानी लिखना। फिर chasing, CHASING, chasing यानी गेम का नाम है चेस। MATHS, मैथ्स यानी गणित। SCIENCE, साइंस यानी विज्ञान। मैथ्स और साइंस ए वो सब्जेक्ट के नेम है। फिर लंच टाइम, LUNCHTIME, लंच टाइम। लंच टाइम यानी दोपहर का खाना। कारपेट, CARPET, कारपेट यानी चटाई। SINGING, सिंगिंग यानी गाना। DANCING, डांसिंग यानी डांस करना।
PAINTING। पेंटिंग, पेंटिंग यानी पिक्चर्स ड्रॉ करना और कलर उसमें कलरिंग करना। STORYTIME स्टोरी टाइम यानी वार्ता का समय। HEAR हियर यानी सुनना। REST रेस्ट यानी आराम। FINISHES फिनिशेस मतलब पूरा करना। EVENING इवनिंग यानी शाम का टाइम। FELS फील्स यानी महसूस करना। तो ये हमारे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। चलो हम पहले चैप्टर्स रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर के उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, आपको भी मेरे साथ रीडिंग करना है, ओके। दिस इज मोनिश। हिज मॉम वेक्स हिम अप एट 6 o'clock। ही गेट्स वॉश्ड एंड रेस्ड। देन ही हैज हिज ब्रेकफास्ट। एट 7 o'clock द स्कूल बस कम्स। मोनिश लीव्स फॉर स्कूल। ही इज नेवर लेट। ही रीच्स द स्कूल इन टाइम। द प्यून रिंग्स द बेल। चिल्ड्रन गो टू देयर क्लासेस। द टीचर कॉल्स द रोल। आफ्टर रोल कॉल चिल्ड्रन लाइन अप इन द स्कूल कंपाउंड। दे से देयर मॉर्निंग प्रेयर्स। आफ्टर प्रेयर्स चिल्ड्रन गो बैक टू देयर क्लासेस। मोनिश गोज टू हिज क्लास। द टीचर कम्स इन। चिल्ड्रन स्टैंड अप एंड से गुड मॉर्निंग टीचर। द टीचर सेज गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन सिट डाउन। नेक्स्ट, नाउ द टीचिंग बिगिंस। चिल्ड्रन्स डू रीडिंग एंड राइटिंग फॉर 2 hours। देन इट इज प्ले टाइम। चिल्ड्रन गो आउट टू प्ले। मोनिश लाइक्स टू प्ले चेसिंग गेम्स। आफ्टर प्लेइंग टाइम चिल्ड्रन डू मैथ्स एंड साइंस। मोनिश इज गुड एट मैथ्स। ही इज ऑल्सो गुड एट साइंस। देन इट इज लंच टाइम। चिल्ड्रन गो टू द लंच रूम। दे ओपन देयर लंच बॉक्सेस एंड ईट टूगेदर। आफ्टर लंच ब्रेक चिल्ड्रन गो टू द आर्ट रूम। देयर दे सिट ऑन अ कारपेट। दे लर्न सिंगिंग एंड डांसिंग। दे ऑल्सो लर्न पेंटिंग। मोनिश लाइक्स पेंटिंग बेस्ट। देन इट इज स्टोरी टाइम। चिल्ड्रन कम बैक टू देयर क्लासरूम। द टीचर्स टेल्स देम अ न्यू स्टोरी एवरी टाइम। चिल्ड्रन्स लव टू हियर स्टोरीज।
Sometimes children also tell stories. The last bell goes at 3 p.m. Monish comes back home. He has some rest and then finish his homework. His mom helps him with his homework. Then it is evening. Monish goes out to play with his friends. He feels very happy all days. तो आपको यह हमारा चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 2A रीडिंग करना है और इसके न्यू वर्ड्स आपको लर्न भी करने हैं और 2 टाइम्स लिखने भी है. ओके, थैंक यू, गुड बाय.